किसके लिए देते हैं, किस लिए हम लोग जो है ना हुकूमत को आगे लेकर आते हैं, कभी अच्छा। उसको दें, आधे से ज्यादा तो इन लोगों ने हम लोगों को बेवकूफ बनाया हुआ है कि हम किसको वोट दें। वोट ले गए आदमी को आगे प्रॉपर आते हैं हम लोग कि भाई मतलब ये कि हमें हैंडल करें। अवाम ज्यादा अनपढ़ है अच्छा, उनको कमरे नंबर का नहीं पता। कमरे नंबर के ऊपर अगर कमरा नंबर लिखा भी है तो ऊपर लिख दिया है जी हड्डी वार्ड इस तरफ है। जब किसी हॉस्पिटल में जाते हैं डॉक्टर्स अद्वियात लिख के देते हैं, फिर वो कहते हैं यहाँ पे मेडिकल स्टोर है वहाँ से ले ले। कुछ दवाइयाँ मिलती हैं अच्छा, जो हैवी है वो नहीं मिलती। वो क्यों नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिलती कि क्या कहते हैं, कुछ वो कहते हैं कि भाई ये इधर से नहीं है हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है, अवेलेबल नहीं है, आप बाहर से ले लें। बाहर चले जो अवेलेबल होती हैं वो एंटीबायोटिक होती हैं वो 800 की 900 की 1000 की 1500 की। लेकिन बाहर रमजान पैकेज जो चल रहा है घरों तक पहुंच रहा है हमें तो अभी तक कुछ मिला नहीं, उसके मिला नहीं है तो फिर ये कैसे उम्मीद की जा सकती है कि दवाइयां भी मिलेंगी घरों के दहलीज पे। जब यही नहीं कुछ हो रहा तो उसको एक महीने के राशन को हम क्या करेंगे, उसका कोई फायदा है? 10 किलो का आटा जो थैला है वो नहीं चाहिए, महीने के लिए काफी होगा मेरे ख्याल से हर आदमी को नहीं चाहिए, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, अब हर चीज में प्रॉब्लम है, अमल नहीं है, अमल करवाना चाहिए। मरियम नवाज तो फुली फ्लो पे चल रही है, काम कर रही है, वो काम कर रही है, उनके साथ जो उनको गाइड कर रहे हैं वो कह रहे हैं मैम आप देखें ये रिपोर्टों में उसे चेक कराते हैं बस। अच्छा, रिपोर्टें बताते हैं मरियम साहब ने चेक करना है, हाँ भाई ये ठीक हो गया, हो गया, आगे आ गए आप, आ गए चीफ मिनिस्टर साहब, आ गए हेड ऑफ डिपार्टमेंट, आ गए अभी एमएस के दफ्तर चले गए एक अनार में। मुझे उसको देख के उसके होलिये से लग रहा ही नहीं है वो एमएस का दफ्तर है और एमएस खुद गाइड कर रहा है। अच्छा, उसको मैंने कहा कि आप इधर सिग्नेचर करें और आप मेरे फाइल के ऊपर जो है ना लिख के दें, 4 बार ऑपरेट हो चुका है किसी अच्छे सीनियर और जो है ना सर्जन से मुझे मुलाकात करवाया, उन्होंने कहा सर ये तो ना डॉक्टर ने लिखा है आप उनके पास चले जाएं, उन्हीं का मसला आपने है वो आपको गाइड करेंगे। आपने कहा है कि सेहत कार्ड पे आपने इलाज करवाया 2 बार जी, मुनासिब नहीं हुआ इलाज, ठीक नहीं हुआ, दोबारा जो है सेहत कार्ड लॉन्च होने जा रहे हैं, कोई फायदा लगता है मिलेगा? देखें जी अगर फायदा दे तो मिलेगा, वैसे नहीं मिलेगा।